एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है, प्रेमिका भी अपने प्रेमी के बुलावे पर चली जाती है, लेकिन तभी दोनों को बात करते हुए लड़की का भाई देख लेता है और फिर भाई यह बात जाकर अपने घर में पिता को बता देता है। जैसे ही पिता को यह बात पता चलती है तो पिता हाथ में फरसा और डंडा लेकर मौके पर पहुंच जाता है और फिर लड़की के प्रेमी आशीष पटेल के ऊपर हमला कर देता है और हमला इतना खतरनाक होता है कि आशीष के पूरे शरीर में धारदार हथियार के निशान बन जाते हैं और तड़प तड़प कर यह आशीष दम तोड़ देता है। वाक्य मध्य प्रदेश के जबलपुर के कुंडम के कल्याणपुरा ग्राम पंचायत से आया है, जहां पर ग्राम पंचायत के सामने युवक की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यह खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां आशीष पटेल की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई, वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कल्याणपुर में रहने वाले आशीष पटेल जो किराना की दुकान चलाता था, उसका शव 18 मार्च की सुबह ग्राम पंचायत के पास मिला था, जहां मृतक के शरीर में धारदार हथियार के निशान थे। वहीं हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। वहीं जांच के दौरान पता चला कि मृतक युवक का प्रेम प्रसंग गांव के रहने वाले विकास पटेल की बहन के साथ था। वहीं शक होने पर जब विकास पटेल को हिरासत में लेते हुए सघन पूछताछ की गई तो विकास पटेल ने आशीष पटेल की हत्या अपने पिता के साथ मिलकर करना कबूल किया है। आरोपी विकास पटेल ने बताया कि आशीष पटेल ने उसकी बहन को ग्राम पंचायत के पास मिलने के लिए बुलाया था, वहीं उसने उन्हें देख लिया था, तभी यह बात उसने अपने पिता देवालय पटेल को बताई और फिर पिता देवालय अपने हाथ में फरसा और डंडा लेकर आ गए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आशीष पटेल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे घायल अवस्था में छोड़ के चले गए, जिसमें तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी विकास पटेल और उसके पिता देवालय को हिरासत में लिया है और पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की। सुनील सैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, जबलपुर।